नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। पीएम मोदी ने रायपुर में 7 जुलाई को कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइंस कॉलेज ग्राउंड से 7,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई यात्रा शुरू होगी। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा। आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। ये उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए है। ये उपहार छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए है, यहां की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए है। भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहां रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनेंगे। यहां के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि इनसे आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। मैं इन सभी प्रोजेक्ट के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। राजस्थान के बीकानेर रेलवे स्टेशन का जल्द ही कायाकल्प होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 450 करोड़ रुपए की लागत से होने जा रहे रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। रेलवे स्टेशन में शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट जैसी कई विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। मौजूदा संरचना की विरासत को ध्यान में रखते हुए हाईटेक तरीके से निर्माण कार्य किया जाएगा। प्रधानमंत्री 8 जुलाई को बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। बीकानेर रेलवे स्टेशन को लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। इस दौरान पुनर्विकास कार्य में रेलवे स्टेशन की मौजूदा संरचना की विरासत स्थिति के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए सभी प्लेटफॉर्म्स का नवीनीकरण शामिल होगा। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से होने जा रहे बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के साथ ही इसे हाईटेक तरीके से निर्माण कार्य किया जाएगा। रेलवे स्टेशन में शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट जैसी कई विश्व स्तरीय सुविधाएं मौजूद रहेंगी। हालांकि इस दौरान स्टेशन की मौजूद संरचना की विरासत को सुनिश्चित करते हुए फर्श और छत के साथ सभी प्लेटफॉर्म्स का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कई अन्य राज्यों में भी विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। आज पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर लखनऊ और जोधपुर अहमदाबाद रूट पर चलने वाली 2 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने 6 जुलाई को आधिकारिक तौर पर थ्रेड्स लॉन्च किया है। ये बातचीत करने के लिए टेक्स्ट बेस्ड ऐप है, जिसे एलन मस्क के ट्विटर को सीधे टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने एक बयान में कहा कि हमारा विजन इंस्टाग्राम के सर्वोत्तम हिस्सों को लेना और टेक्स्ट विचारों और आपके दिमाग में क्या है उस पर चर्चा करने के लिए एक नया अनुभव बनाना है। मुझे लगता है कि दुनिया को इस तरह की फ्रेंडली कम्युनिटी की जरूरत है। थ्रेड्स के रोल आउट ने जुकरबर्ग और एलन मस्क के बीच कंपटीशन को और बढ़ा दिया है। मस्क ने पिछले साल ही ट्विटर खरीदा था और उसके बाद से उन्होंने उसमें कई सारे बदलाव किए। हाल ही में ऐप का उपयोग करते समय लोग कितने ट्वीट पढ़ सकते हैं इस पर उन्होंने लिमिट लगा दी, जिसके बाद लोगों में इसको लेकर थोड़ी नाराजगी भी हुई। इंस्टाग्राम की ओर से बनाया गया थ्रेड्स मुख्य रूप से एक ऐप है जहां लोग एक दूसरे के साथ रियल टाइम सार्वजनिक बातचीत कर सकते हैं। थ्रेड्स इंस्टाग्राम को बढ़ावा देने में भी मदद करता है, जो मेटा के प्रोडक्ट्स के परिवार में एक प्रमुख ऐप है। इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उम्मीद है कि ये विचार कम्युनिटीज के बीच खुला और फ्रेंडली स्पेस बनेगा। थ्रेड्स ऐप पर मेटा काफी समय से काम कर रही थी। इसे एंड्रॉइड और iOS यूजर के लिए लाइव कर दिया गया है। ऐप का इंटरफेस इंस्टाग्राम जैसा ही है और फीचर्स काफी हद तक ट्विटर जैसे। नए ऐप के लिए साइन अप करने के लिए एक इंस्टाग्राम अकाउंट होना आवश्यक है। लंबी दूरी के ट्रकों के कैबिन के अंदर एयर कंडीशनिंग की सर्विस अब अनिवार्य कर दी गई है। इसके बारे में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंजूरी दे दी है।
गडकरी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि N2 और N3 कैटेगरी के ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन को अनिवार्य करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी गई है। गडकरी ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य ट्रक ड्राइवर्स को उनकी एफिशिएंसी में सुधार करने के लिए आरामदायक कामकाजी परिस्थितियां देना और लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवर्स को होने वाली थकान को कम करना है। गडकरी ने यह भी कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में ट्रक ड्राइवर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये निर्णय ट्रक ड्राइवर्स के लिए आरामदायक काम करने की स्थिति देने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनकी दक्षता में सुधार होगा और ड्राइवर्स की थकान की समस्या का समाधान होगा। पिछले ही महीने गडकरी ने कहा था कि ट्रक ड्राइवर परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, और उनकी कामकाजी परिस्थितियों और मन की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विमेंस एशेज सीरीज के रोमांचक T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया 31 T20 मैचों के बाद कोई मुकाबला हारी है। बुधवार को लंदन के दी ओवल मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे। टीम ने शुरुआती 3 गेंदों पर 2 ही रन बनाने में 1 विकेट गंवा दिया। अब 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे। यहाँ बैटर एलिस पेरी ने 2 रन लिए और आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा दिए, लेकिन 2 छक्के भी टीम की जीत के लिए काफी नहीं थे और ऑस्ट्रेलिया 3 रन के अंतर से मुकाबला हार गया। इंग्लैंड से 76 रन बनाने वाली डेनी वॉर्ड प्लेयर ऑफ द मैच रही। एलिस पेरी ने 27 गेंद पर 51 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद इंग्लैंड की टीम विमेंस एशेज में बनी हुई है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया 6-2 से लीड कर रहा है, वहीं सीरीज में 1 T20 और 3 वनडे बाकी हैं। ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम T20 में टारगेट चेज करते हुए 3 साल 3 महीने बाद हारी है। टीम को पिछली हार भारत के खिलाफ फरवरी 2020 में T20 वर्ल्ड कप के दौरान मिली थी। टीम किसी T20 मैच में भी 31 मैच के बाद हारी है। टीम को आखिरी हार न्यूजीलैंड के खिलाफ 30 मार्च 2021 में मिली थी, तब टीम 4 विकेट से मैच हारी थी। 31 मुकाबलों में से 23 में टीम को जीत मिली है। टीम का एक मुकाबला भारत के खिलाफ टाई रहा, वहीं 5 मैच बेनतीजा रहे। इस दौरान टीम के 2 मुकाबले रद्द भी किए गए। ऑस्ट्रेलिया टीम इंग्लैंड के खिलाफ भी 4 साल 6 महीने बाद T20 मैच हारी है। टीम को आखिरी हार जनवरी 2019 में मिली। दुबई के क्राउन प्रिंस और दुबई की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया गया, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे कुशल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के रूप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये विश्व का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, जो 1,35,000 घरों को नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली देगा। करीब $1 बिलियन मूल्य की इस अभूतपूर्व परियोजना का लक्ष्य 2 मिलियन टन कचरे को स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करना है, जो लगभग 1,35,000 घरों को बिजली प्रदान करने में सक्षम है। विशेष रूप से ये पहल न केवल प्रदूषण से निपटती है, बल्कि स्थिरता में अग्रणी के रूप में दुबई की स्थिति को भी मजबूत करती है। शेख हमदान ने अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि वारसन में अपशिष्ट से ऊर्जा केंद्र में संचालन की शुरुआत दुबई को दुनिया के प्रमुख टिकाऊ पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना के अपने दृष्टिकोण को साकार करने के करीब लाती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता स्पष्ट है। हमारे महत्वाकांक्षी आर्थिक विकास कार्यक्रम, जो स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण के उच्चतम मानकों को लगातार बनाए रखते हैं, नए अपशिष्ट से ऊर्जा केंद्र में एक व्यापक पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली शामिल है, जो वैश्विक स्थिरता मानकों के साथ संरेखित है। केंद्र में उद्घाटन अपशिष्ट से ऊर्जा ऑपरेशन की देखरेख करते हुए शेख ने इसके न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव को देखा। वर्तमान में 5 में से 2 परिचालन लाइनें काम कर रही हैं, जो लगभग 2,300 टन ठोस कचरे का प्रसंस्करण कर रही हैं। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।